भाजपा सरकार द्वारा राफेल जेट फाइटर की डील में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी द्वारा जेपीसी जांच कराने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर नागपुर शहर जिला युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में नागपुर में तीव्र आंदोलन किया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस अवसर पर वसीम खान ने कहा कि केंद्र सरकार ने राफेल मामले में देश का सबसे बड़ा घोटाला किया है। फ्रांस ने राफेल डील में 59,000 करोड़ की जांच शुरू की है, वैसे ही भारत में राफेल मामले की जांच होनी चाहिए। आज का जो हमारा ये प्रोटेस्ट है, ये जो इंडिया में राफेल जेट प्लेन का जो 2016 में बीजेपी सरकारों द्वारा बनाया गया था और जो एक प्लेन की कीमत 536 करोड़ होना चाहिए थी, तो वह अनिल अंबानी के कंपनी को देकर 1,626 करोड़ एक जेट प्लेन का पेमेंट लिया गया था। और हम लोगों की ये मांग है, जैसे कि फ्रांस ने राफेल के 59,000 करोड़ की इंक्वायरी बिठाई है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग, भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी का मामला उन लोगों ने उजागर किया है। वैसे हम लोगों की मांग है, हमारा जो नेता है श्री राहुल जी गांधी, उनने 2019 में भी सांसद से जब गुहार लगाई थी और अभी फिर से उनने गुहार लगाई है कि राफेल में जेपीसी मांग होनी चाहिए। और ये हम लोगों की मांग है कि राफेल में जल्द से जल्द जेपीसी मांग होनी चाहिए। राफेल में जेपीसी मांग होनी चाहिए, राफेल में जेपीसी मांग होनी चाहिए, इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष गोपाल पट्टम, फिरोज खान, सैयद अतू, सरफराज खान, मुजीब अशरफ, रोहन मसूरकर, साहिल शेख, सेकु शाहरुख, सागर आदि उपस्थित थे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरी के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।